नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पीडी का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि 1 फरवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स है। और ये आपका वार्षिक अंक है 2022 तक का, ठीक है। तो 2022 का, ठीक है, मतलब कि एक ये आपका पूरा 2021 का इसमें करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो हम लोग इसमें जो है छोटे छोटे पार्ट्स में जो है टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह आपका महत्वपूर्ण दिवस, उसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे दिसंबर का, ठीक है। दिसंबर में कौन कौन सा दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण दिवस का ये आखिरी वीडियो होगा। तो महत्वपूर्ण दिवस में आज बनाएंगे दिसंबर का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का जो भी रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले था अक्टूबर में अहिंसा दिवस, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, APJ अब्दुल कलाम दिवस। और उसके बाद नेक्स्ट आपका 16 APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर को राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। नवंबर में है 7 नवंबर को आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर को जो है बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा की जयंती पर 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वर्गीज कुरियन, और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस, ठीक है। अगर आपका दिसंबर में, तो दिसंबर में सबसे पहले जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को एड दिवस, विश्व एड दिवस, ठीक है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय संरक्षण ऊर्जा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा दिवस, और 16 दिसंबर को विजय दिवस, 24 दिसंबर को आपका जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 25 दिसंबर को है आपका सुशासन दिवस अटल बिहारी के जयंती जन्म दिवस पर जयंती पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका विश्व एड्स दिवस, सबको पता होगा एड्स कैसे होता है, ठीक है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, उसके बाद आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को, और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना, ठीक है। तो भारतीय नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया था, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, ठीक है। तो नौसेना आपका जो पानी में जो पानी की रक्षा कर जो पानी में आपका समुद्र का आपका जो है भारत की रक्षा करता है, और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा दिवस, 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, ठीक है। तो ये आपका टोटल है। तो सबसे पहले विश्व एड्स दिवस, उसके बाद है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो सबसे पहले विश्व एड्स दिवस, उसके बाद 2 तारीख को है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, और 10 दिसंबर को आपका जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, और 16 दिसंबर को विश्व विजय दिवस, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है जिसका ट्रिक जो कुछ बनाने का है वो है आपका 16 दिसंबर को जो है भारत ने जो है पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश से बनाया था, ठीक है, इसलिए विजय दिवस के साथ जो है मनाया जाता है 16 दिसंबर को। और इसके बाद 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, मतलब कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, मैं जो भी आपका अधिकार कंज्यूमर का जो भी अधिकार है आप 24 दिसंबर को जो है बना सकते हैं, ठीक है, क्रिसमस है जस्ट 1 दिन पहले, ठीक है। और आपका 25 तारीख को सुशासन दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, तो और 5 दिसंबर को विश्व
दिसंबर आपका हो गया 1 दिसंबर को विश्व एड दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को आपका हो गया भारतीय नौसेना दिवस, और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर से साक्षर होगा आपका नौसेना, ठीक है, पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका मृदा होगा, ठीक है, आपका जो नौसेना है समुद्र से पानी निकालकर जो है भारत को पानी देगा और सवाल को जो है सवाल को अच्छा बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले है नौसेना को जो है कंप्यूटर से लैस करेगा कौन, ठीक है, तो पहले आपका कंप्यूटर का साक्षरता पढ़ाया जाएगा, उसके बाद नौसेना जो है कंप्यूटर से पूरा अपने आप को लैस करेगा, कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से, ठीक है, 4 दिसंबर को। उसके बाद जो नौसेना है वो आपका समुद्र से पानी निकालकर जो है मृदा मतलब कि मिट्टी पर पानी पानी छिड़केगा। उसके बाद फिर आपका है 10 दिसंबर को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, तो यहाँ तक आप याद कर लीजिए, बाकी इसका अलग बनाते हैं। तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मतलब कि नेशनल ह्यूमन राइट डे, 14 दिसंबर को आपको 14 नवंबर को जो है आपका 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व बालक दिवस, और उसी प्रकार जो है 14 दिसंबर को जस्ट 1 महीने बाद राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण मतलब की ऊर्जा को बचाना है बच्चे लोग, मैं फिर ठीक बताना, ये आपका अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर या फिर विश्व ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर, दोनों एक ही दिन जो है मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा संरक्षण दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। उसके बाद 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर। सबसे पहला था 1 तारीख को विश्व एड्स दिवस, 2 तारीख को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय नौसेना दिवस, और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस, और 16 दिसंबर को विजय दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।